हाय स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं इस वीडियो में। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन या कर्व होता है जो कि ड्रोन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि या तो स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व शेप की होगी। अगर वो कर्व शेप की है तो उससे जो टेंजेंट ड्रॉ करी जाएगी वो उस पॉइंट का डायरेक्शन शो करेगी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। जैसे कि हमने अगर कोई दो चार्जेस रखे हैं, जैसे ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इस जगह पर इनके बीच में जो डायरेक्ट जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये फोर्सेस को शो करने, इलेक्ट्रिक फोर्स को शो करने में काम आती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। एक इमेजिनरी लाइन होती है फील्ड को शो करते हुए। तो यहाँ से अगर सीधी लाइन ड्रॉ करेगी होगी तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और यहाँ से अगर निकलने वाली लाइन है तो वो सीधी आएगी यहाँ से इस तरह से। ध्यान रखना, हम आगे वैसे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। फील्ड लाइन जो निकलती है वो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलरली निकलती है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से सीधी ऐसे आ गई, इस तरह से नहीं। यहाँ से अगर ये राउंड शेप में यानी कि स्फेरिकल शेप में चार्ज है तो यहाँ से परपेंडिकुलरली ही निकलेगी और इधर भी परपेंडिकुलर ही होगा। ये पूरी लाइन इस तरह से कर्व होते हुए मिलेगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए ये इस तरफ आके एंड हो जाएगी। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसमें डायरेक्शन सीधा है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे इस तरफ से देख सकते हैं। अब जैसे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है। ये पॉइंट अगर P हमने एज्यूम कर लिया तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी ये जो एरो हमें शो कर रहा है ये इस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी। इसी तरह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन अलग होगी। कर्व शेप में हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन वहाँ पे हमेशा चेंज होगी हर एक पॉइंट पर। ओके, इसकी डेफिनेशन और में भी है, देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पाथ होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, ठीक है। अगर वो फ्री है मूव करने के लिए तब, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी डायरेक्टली, तो अगर ये चार्ज मूव करने में फ्री है तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली इसको अट्रैक्ट करेगा, सीधा इसी लाइन के थ्रू जाके ये मूव करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये इस लाइन के अलोंग मूव करेगा। तो ये यानी कि एक तरह का एक पाथ है जिसके पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है तो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो पॉजिटिव हम ये कहते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव करके जाएगा नेगेटिव चार्ज तक, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बताया कर्व शेप में है तो पी पॉइंट पे इसका एक्टिव इंटेंसिटी ये होगी। ओके, नेक्स्ट है इसके कुछ पॉइंट्स है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फेराडे। ये जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट दिया गया, जो जिसने दिया था वो साइंटिस्ट का नाम है माइकल फेराडे। इसने 19th सेंचुरी में दिया था, और माइकल फेराडे इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारे फिजिक्स में इन्वेंशन किए हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे माइकल फेराडे के। यस, फेराडे कॉल्ड द फोर्स लाइन। फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नाम उस समय दिया था उसने फोर्स लाइन, बट फील्ड लाइन ज़्यादा सुटेबल है इसलिए जनरली इसको फील्ड लाइन बोला जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, देख लेते हैं हम वन बाई वन। फर्स्ट है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, जैसा मैंने आप ऊपर भी समझा रहा था मैं कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज में एंड होता है। डायग्राम से मैंने बताया था यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से अगर स्फेरिकल चार्ज है तो सब तरफ से इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से इससे बाहर निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती या फिर अपन कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव चार्ज में जाके एंड होती है या फिर इसको कह सकते हैं टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है तो इस तरह से ये अंदर की तरफ फील्ड लाइन्स बनेगी,
ठीक है, अगर एक चार्ज के आसपास आपको फील्ड लाइन शो करनी है तो ये होगा, इस तरह से आप शो करोगे पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सेकंड है टू लाइक चार्जेस, बिटवीन टू लाइक चार्जेस, दो लाइक चार्जेस के बीच में हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंस ही नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहीं पे प्रेजेंट होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हुए एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर कैसे होता है ये, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये सेकंड पॉइंट को मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आपको। जैसे कि लाइक चार्जेस में ये एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस चार्जेस है, तो क्या होगा, ये चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई फील्ड लाइन निकलती है यहाँ से इस तरह से, तो ये इस तरफ नहीं जाके यहाँ से ये कर्व ले लेगी रिपल्शन के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंड होती है। बट यहाँ पर सामने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो ये इस तरफ जाते हुए बेंड हो गई, और यहाँ से निकलेगी ये इस तरह से, तो ये भी आगे जाके इस तरह से ये बेंड हो जाएगी, रिपेल करेगी, कभी भी आपस में टच नहीं करेगी दो लाइक चार्ज की फील्ड लाइन्स। और ये जैसे इधर से निकल रहा है इस तरह से जाएगा, वैसे ये भी ऐसे जाएगा, ये आपस में रिपेल करेगी, टच नहीं होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट ही नहीं होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है बीच में, मतलब ये जो जगह है, ये जो स्पेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट का मतलब ये था। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, यहाँ पे ऑफ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट स्टार्ट एंड एंड एट अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब कि किसी चार्ज से फील्ड लाइन कितनी निकलेगी या कितनी उसके एंटर होगी उसके अंदर, वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स भी ज़्यादा होगी, और अगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है चार्ज का तो फील्ड लाइन्स भी कम होगी। फील्ड लाइन्स हमेशा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगी। यस, नेक्स्ट पॉइंट है दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आपको मैंने यहाँ से कैसे निकलती फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से, या वो जस्ट मैं बता रहा था कि जो चार्ज है या कोई चार्ज सरफेस है या चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लो ये कोई स्फेरिकल चार्ज सरफेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये हमेशा इसकी सरफेस से परपेंडिकुलरली ही निकलेगी। या फिर कंडक्टर मान लेते हैं कोई स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है तो इसके सरफेस से परपेंडिकुलर यहाँ से निकलेगी, इसके सरफेस से परपेंडिकुलर होगी, यहाँ से भी परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलेगी। अगर सामने पास आसपास कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये आगे जाके बेंड होके इसमें एंटर हो जाएगी, और एंटर भी हमेशा परपेंडिकुलरली ही होगी, ये याद रखना आपको, परपेंडिकुलरली होगी। अगर ये कोई कंडक्टर इस तरह से कोई कंडक्टर है वायर वगैरह, तब यहाँ से फील्ड लाइन जो होगी वो इस तरह से होगी, सीधी परपेंडिकुलरली इस तरह से सब तरफ होगी एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर के आसपास। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, द टेंजेंट टू इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे यही समझ रहे थे हम लोग कि फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि फील्ड लाइन्स अगर कर्व हो गई है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इससे फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, जैसे पी पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट के ऊपर, वो शो करेगा ये टेंजेंट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इस जगह जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, कुछ अलग होगा, कर्व पाथ में टेंजेंट जो होती है उस पॉइंट का डायरेक्शन शो करती है। यस, सिक्स पॉइंट है टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइन जो होती है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगी, देखना, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये कोई फील्ड लाइन जा रही है और यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके इसको इंटरसेक्ट कर लेगी, अगर इंटरसेक्ट कर लेगी तो यहाँ पर इंटरसेक्शन के पॉइंट पर क्या होगा, देखना, पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, जो कि मैंने इस कर्व की ड्रॉ करी है, और मैं इस ये जो कर्व है इसके मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ही पॉइंट के ऊपर, और ये पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती है। यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी वो इस तरह से जाएगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यस, सेवन्थ पॉइंट है फील्ड लाइन्स डू नॉट पासेस
इनसाइड द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती है। जैसे मेरे पास दो कंडक्टर है, ये तो यहाँ से स्टार्ट होगी इस कंडक्टर की सरफेस से और दूसरे कंडक्टर के सरफेस पे जाके एंड हो जाएगी। इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव नहीं करेगी। क्यों मूव नहीं करेगी? क्योंकि इससे पहले हमने देख रखा है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ज़ीरो होता है उसके अंदर, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती है। यस, ये थी आज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमने समझा और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।